वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। तो गाइज आज जा रहे हैं लंदन की मोस्ट पॉपुलर जगह। तो गाइज ऐसी ऐसी वीडियो जो कि डिफरेंट लेवल पे मैं अपलोड करूँगा। चैनल इसलिए बनाया है कुछ नया दिखाऊँ आपको, कुछ नया वीडियो दिखाऊँ और लंदन की मोस्ट पॉपुलर जगह आपको घुमाऊँ। तो जुड़े रहें। तो गाइज मैं जो भी वीडियो शूट करूँगा वो अपने लाइफ स्टाइल पर होगी। यहाँ की मुझे एक्सप्लोर करना, न्यू प्लेस और न्यू बिल्डिंग और न्यू चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस पीछे मेरी बस आ गई है, तो चलते हैं इस बस पे और स्टार्ट लगाते हैं। नीचे बहुत भीड़ है। बस एक बस से उतर चुका हूँ और दूसरी बस का वेट कर रहा हूँ। दूसरी बस मुझे इस बस स्टॉप से मिलेगी 148। तो और यहाँ पे सभी डिटेल लिखा रहता है, जैसे मैंने 148 लेना है या यहाँ पे हूँ सेफ्रोपुर स्टेशन। और यहाँ से कहाँ जाऊँगा मैं, एलिफेंट कॉस्टल आई थिंक, हाँ यहीं पे जाऊँगा। चलो फिर करते हैं जन। इन्फॉर्मेशन देनी थी, देखो जैसे कि कोई भी गारबेज यहाँ पे कोई सड़क पर फेंकता है या कोई पकड़ा जाता है उसको पेनल्टी पड़ेगी, फाइन पड़ेगी और 2,50,000 इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हर एक स्टॉप पर डस्टबिन होती है, तो कोई भी गारबेज होता है सो प्लीज यहाँ पे थ्रो करें। तो गाइज फाइनली मेरी बस आ गई है, मेरी नहीं जो जिस पर ट्रैवल करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। सबसे फेमस क्लॉक टावर है लंदन में, वो सामने है लंदन आइज। अब आएगा थेम्स रिवर, देखो इधर भी शो करता हूँ आपको।
जो भी स्टॉप आता है यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाता है, तो वहाँ भी उतरना है। बस ये जो लाल बटन है स्टॉप का, ये दबा दो, बस रुक जाएगी। फैमिली यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, स्काई गार्डन। स्काई गार्डन यहाँ से 4 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बाकी आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ, बहुत बेस्ट व्यू होगा। अपने सेंट्रल लंदन में इस टाइम खड़ा हूँ, तो भी आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। पारस दिखा देगा आपको। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। चुका हूँ स्काई गार्डन, उसके जस्ट सामने खड़ा हूँ। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बना हुआ है, और ऊपर से को देख रहा हूँ ऐसा लगता है बिल्डिंग ऊपर ही गिर जाएगी। तो आपको दिखाता हूँ, पीछे देखो कैसे दिख रहा है। चलो अंदर जाने के लिए, चलो आपको दिखाते हैं, और मुझे भी फर्स्ट टाइम देखना है। तो पीछे तो लंबी लाइन है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा अंदर जाने के लिए। और टाइम भी कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 4:30, तो आधे घंटे तक सनसेट हो जाएगा। एंट्री करने के लिए जा रहे हैं, तो देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे। इधर का नज़ारा, सेंट्रल लंदन का नज़ारा मैं आपको जुबान से बयान नहीं कर सकता। तो आई थिंक यही एंट्री है, तो चलते हैं। तो आपको ये एक और बात बता दूँ, स्काई गार्डन का फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, जो कि अच्छी बात है, तभी तो आ गए। अंदर आ चुका हूँ, तो देखते हैं आगे जाके कितनी लंबी लंबी लाइन है। गाइस पॉपट हो गया मेरे साथ, दिल भर गया मेरा, रोने का दिल कर रहा है। क्यों, इतनी दूर से भी आया, और नो डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है स्काई गार्डन, बट उसके लिए भी उनके वेबसाइट पर जाकर रिजर्वेशन करना पड़ता है। जैसे कि आप फ्री हो, उसके अकॉर्डिंग स्लॉट बुक करना पड़ता है। स्लॉट बुक करके स्कैन आ जाएगा, आपका टिकट आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट का। वहाँ पर जाओ और टिकट दिखाना पड़ता है, उनको विजिट कर सकते हो इजीली। तो अब क्या है, तो परफेक्ट हो चुका है मेरे साथ। अब यही बिल्डिंग दिखा दूँगा आपको, ये देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब ये तो वीडियो मैं डाल दूंगा, बाकी स्काई गार्डन का फुल वीडियो कुछ टाइम बाद आएगा। तो गाइज यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अच्छे वीडियो के साथ, कुछ अच्छे मोटिवेशन के साथ, और ऐसे मेरे साथ जुड़े रहें, आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लेना किंग अर्बन ब्लॉग को। ओके।